हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोडी विग्नेश है और मैं अपनी चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई है उस पर हमें सही में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग अपने ही जीवन में कुछ कुछ चीज़ों को इतना तुच्छ समझने लगते हैं। कुछ भी बुरा होता है तो हम अपने आप को दोष देते हैं, हम ऊपर वाले की गलती निकालते हैं। तो दोस्तों, एक महल था, उसमें एक राजा था और राजा के जितने भी विरोधी थे उन्होंने उनके साथ षड्यंत्र रचा और उनको अपने ही राज्य से निकाल दिया। राजा चलते चलते वन में चले गए, वहाँ जाके उन्होंने निवास किया और ध्यान केंद्रित करने लगे, भगवद गीता का ज्ञान करने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे। उन्होंने अपने आप को पूरा भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने निर्मल हृदय से उनकी सेवा की। इसी तरह से रोज वो ध्यान करने लगे। उनकी जो बीबी थी यानी महारानी, वो एक दिन उनको देखकर उनसे वार्तालाप करने लगी, क्या आप भगवान की इतनी भक्ति करते हैं? तो भगवान को कहकर हमारे सारे कष्ट दूर क्यों नहीं करवा देते? बीवी बहुत परेशान थी और महाराज को समझाने लगी, महाराज आप भगवान का इतना भजन करते हैं तो हमारे कष्ट दूर करें, ऐसा आप कहे। रानी महाराजा के बीच में कई वार्तालाप हुई। अंत में राजा ने कहा रानी को, अगर मैं भगवान का ध्यान धरता हूँ और उसके बदले अगर कुछ मांगता हूँ तो वो ध्यान नहीं रहेगा, वो सौदा हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल यहीं भोगना है। हमारे कष्टों को भी हमारे कर्मों से ही परिणाम मिलता है। राजा अपनी रानी को समझाने लगे। उन्होंने निर्मल हृदय से भगवान की सेवा करने की बात की। हमारे कष्ट हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अच्छे बुरे सभी कर्म हमारे ही है। हमें हमेशा नित्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो भी बिना कोई स्वार्थ के। भगवान की भक्ति निर्मल हृदय से ही की जाती है। हमारे कर्म रोज हमें करने चाहिए, हमारे कष्ट छोटे मोटे जो भी है वो भी दूर हो जाएंगे, जितने भी वार्तालाप है वो भी हो जाएंगे। और ये सब चीज़ों के लिए हमें भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। दोस्तों, शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ शायद आप लोग समझ गए हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।